हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था कि आपके कुछ टैक्स जो थे वो ओपन हो रहे थे, उनके साथ साथ क्लोज भी हो रहे थे, बट कुछ टैक्स थे जिनको सिर्फ हम ओपन करके छोड़ दे रहे थे, तभी वो कम। तो मैंने बताया था कि आपके दो टाइप के टैग होते हैं, एक को हम कंटेनर टैग बोलते हैं और एक को हम एंटिटी टैग। ठीक है, कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, जो अपने टेक्स्ट को या अपने जो भी मटेरियल होता है उसको एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेनर टैग। ठीक है, और क्लोज करने के लिए आप यूज करते हैं स्लैश का, फॉरवर्ड स्लैश जो यूज होता है, उसके साथ अगर हम उसी टैग को लिखेंगे तो वो आपका क्लोजिंग टैग हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे HTML लिखा हुआ है ओपनिंग टैग विद क्लोजिंग टैग। ओके, एंड एम्प्टी टैग्स के लिए मैंने बताया था कि जैसे आपका लाइन ब्रेक था BR टैग, ठीक है, उसी तरीके से P टैग होता है, और सेम तरीके से आपका HR टैग था, तो ये सारे टैग्स जो थे वो हो जाएंगे आपके एम्प्टी टैग्स। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप के टैग हो गए, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। ठीक है, इसके डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हैं। उसके आगे अब हम काम करते हैं अपनी कोडिंग पे कंटेनर। ठीक है, अब जैसे मैंने कंटेनर टैग लिखा हुआ है, एम्प्टी टैग्स लिखा हुआ है, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको हेडिंग बनाना हो, अलग से शो करना हो, तो उसके लिए आपके हेडिंग टैग्स यूज होते हैं HTML के अंदर। तो मैं आपका ये पूरा डाटा एक बार क्लोज, चलो इसी को वापस रख लेते हैं, और यहाँ पे मैं हेडिंग टैग लगा दूँ। ठीक है, हेडिंग टैग्स आपके H1 से लेके H6 तक होते हैं। चलो मैंने इसको दे दिया H3 टैग। ठीक है, और उसके बाद आपको H3 टैग को क्लोज भी करना होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश विद H3 लिख देंगे। ठीक है, कंट्रोल S, और हम इस फाइल को ओपन कर देते हैं। ये आपकी फाइल ओपन होगी, हम इसको रिप्रेस देखो। पहले अगर आपका जो आउटपुट आ रहा था वो सेम आ रहा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, कंटेनर टैग कंटेनर एंड एम्प्टी टैग्स, उसके बाद डायरेक्ट लिखा आ रहा है देयर आर टू काइंड्स ऑफ टैग्स। तो अब जब मैंने हेडिंग टैग लगा दिया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, ये देखो। तो आपकी एक अलग से हेडिंग बन के आ गई है, कंटेनर एंड एम्प्टी टैग्स, ये आपका बोल्ड में लिखा आ गया। ठीक है, तो आपको जो चीज अलग से शो करवानी होती है उसके लिए आप यहाँ पे H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग्स यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा साइज होता है वो H1 का होता है, या आपके मोस्टली पेपर में पूछा भी जाता है कि H1 और H1 टू H6 में लार्जर साइज किसका होता है, तो आपका क्या होता है, H1 का होता है। ठीक है, तो हम मैटर लिख लेते हैं H1, और जैसे हेलो लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने H1 को क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट H2, H2 के अंदर भी चलो हम हेलो ही लिख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू क्लोज H2, H3 हेलो एंड H3 बंद कर दिया हमने, H4 एंड H5 आफ्टर दैट H6 एंड नाउ आई हैव टू सेव इट एंड ऑल्ट टैब एंड रिफ्रेश इट। ये देखो H1 जो था उसका साइज सबसे बड़ा आ रहा है, उसके बाद H2 का साइज आ रहा है, फिर H3, H4, H5, H6, लास्ट में H6 जो है वो आपका सबसे। तो बाय डिफॉल्ट आपकी HTML आपको 6 टैग्स प्रोवाइड करती है। अब आपको क्या काम करना है कि आपको इसमें हर एक हेडिंग का अलग अलग कलर प्रोवाइड करना है। तो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, अब अगर हम H1 के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम कलर देना चाहेंगे तो ये उठाएगा नहीं, उसके बाद आपको यहाँ पे कलर देना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू लाइक आई हैव टू गिवन रेड। ओके, एंड अब अगर आप इस फॉन्ट को क्लोज नहीं करोगे तो H1 से लेके H6 तक हर एक हेडिंग का ये कलर चेंज कर देगा। जैसे हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए हर एक हेडिंग का इसने कलर चेंज कर दिया। आपको सिर्फ एक हेडिंग का कलर लेना है तो आपको उसके बाद उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर आपको सिर्फ H1 का कलर दिखाना था तो आप H1 में इसको क्लोज कर दो, फॉन्ट टैग को मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है,
अब इसका अलग कलर देना चाहते हैं H2 का, तो आप H2 का अलग कलर दे सकते हैं सेम तरीके से, मतलब आप हर हेडिंग का अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, तो आप खुद ट्राई करें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।